हार्दिक पांड्या के लिए कप्तानी कोई नई बात नहीं है। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में आईपीएल 2022 का खिताब जिताया था। फिर जून में 2022 में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को T20 सीरीज में 2-0 से जीत दिलाई थी। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में भी हार्दिक को कप्तानी का मौका मिला था। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए साल 2022 काफी शानदार रहा है। सबसे पहले हार्दिक ने आईपीएल 2022 में अपनी कप्तानी एवं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा था। टीम में वापसी बाद से हार्दिक लगातार शानदार खेल दिखा रहे हैं। आगामी एशिया कप के लिए भी हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम में चुना गया है। हार्दिक पांड्या को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टॉयरिस ने कही है यह बड़ी बात। स्टॉयरिस का मानना है कि निकट भविष्य में हार्दिक T20 क्रिकेट में भारत के फुल टाइम T20 कप्तान बन सकते हैं। हार्दिक ने सभी को प्रभावित किया है। क्रिकेट में कैरेक्टर और व्यक्तित्व के आधार पर खिलाड़ियों को अक्सर कप्तान बनाया जाता है ताकि उन्हें कुछ जिम्मेदारी दिखाने का मौका मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या को भी टीम का नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए, फिर चाहे वह मौजूदा समय में उपकप्तानी हो या भविष्य में कप्तानी की जिम्मेदारी हो। दोस्तों, स्कॉट स्टॉयरिस तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी से काफी प्रसन्न हैं। क्या आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार कप्तान मानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शानदार और जानदार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स अरा को।